अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक और मज़ेदार नाश्ता बनाने जा रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एक ही नाश्ता खा खा के हम सब बोर हो जाते हैं, ये नाश्ता आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, आप 4 अंडे या 5 अंडे भी ले सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अंडे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए एक बाउल में। अब मैं उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करने जा रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब दूध लिया है। एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक शिमला मिर्च, उसको भी क्यूब की शेप में काट के ऐड कर लिया है। और एक टमाटर, उसको भी क्यूब की शेप में कट करके ऐड कर लिया है। एक हरी मिर्च, उसको भी बारीक काट के ऐड किया है। 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च। ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बनता है, बच्चों को बेहद पसंद आएगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे ब्रेड ले लिया है और ब्रेड को साइड से कट कर लेंगे। कॉर्नर्स काट के, लेकिन इस तरह से काटते हैं कि इसके साइड्स जो हैं वो ज्वाइन रहें और सेंटर का पीस आराम से निकल आए। बहुत आराम से कट कीजिएगा ताकि साइड्स जो हैं वो कटे नहीं। इस तरह से अब मैंने यहाँ सेंटर से पीस निकाल दिया है। जितने स्लाइस भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको कट करके निकाल लें। स्लाइसेस को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून मक्खन ऐड करके उसको ग्रीस कर लिया है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अब जो हमने स्लाइस काटे थे उसके साइड्स पहले हम रखेंगे इस तरह से, और जो लिक्विड हमने तैयार किया था अंडे का मिक्सचर, उस मिक्सचर को हम सेंटर में ऐड कर देंगे। इस तरह से पोर करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है। बहुत चीज़ी और मज़ेदार यह ऑमलेट बनता है। अब मैं उसके ऊपर चीज़ स्लाइस ऐड कर दूंगी, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो ना करें। आप घर में भी बाज़ार जैसा नाश्ता बनाकर आराम से खा सकते हैं। अब अंडे का मिक्सचर दोबारा से हमने थोड़ा सा स्लाइस के ऊपर डाल दिया है। अब जो सेंटर का पीस हमने निकाला था वो ब्रेड के ऊपर रख दिया है, और थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। एक साइड से 5 से 10 मिनट में लो फ्लेम पे डन हो जाएगा, तो आप इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी सेक लें। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से और कितनी डिफरेंट सी ये रेसिपी तैयार हुई है। एक वही रूटीन का नाश्ता करके सभी थक जाते हैं, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा डिफरेंट सा नाश्ता। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।